एक रिपोर्ट से पता लगा है कि नवंबर 23 से 15 दिसंबर तक 38 लाख शादियां होने वाली हैं इंडिया में, और उसमें से आधी शादियां तो सिर्फ कंटेंट के लिए की जाएगी। वो कहते हैं ना, एक इंसान अधूरा है बिना शादी के, और शादी के बाद सीधा खत्म, फिर अधूरा नहीं रहता भाई। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। शादी में लड़के का लड़की से आर्गुमेंट इंटरनेट के टर्म्स एंड कंडीशन जैसा ही होता है, आखिर में आई अग्री ही करना पड़ता है। पर कुछ नमक के नशे करने वालों को लड़की नहीं लड़कियों के गाली खाने पसंद है। देश को ऑलरेडी एक अरमान मलिक मिल चुका था, लेकिन देश ने बोला नहीं, हमें एक और चाहिए, क्योंकि हर एक ब्रांडेड चीज की एक सस्ती कॉपी होती है ना। और आज मिलते हैं हम इसकी सस्ती से भी सस्ती कॉपी से, सुनील कुमार। ये क्या हो रहा है भाई, घर में जब सौतन हो तो पति का मौतन तो आएगा ही ना। भाई ने कैप्शन में लिखा है माय लाइफ, खराब साइलेंट है। वैसे इनकी भी कोई गलती नहीं है, अब जब अगले ने दूसरी शादी करके लाखों का खर्चा किया है तो इसको रिकवर भी तो करना पड़ेगा ना यार। और फिर ऑनलाइन दूसरी शादी का कंटेंट डालने से बढ़िया आइडिया और क्या ही हो सकता है। तो गाइस, मेरी दोनों वाइफ मुझसे नाराज है, क्योंकि मैं और आराध्या जा रहे हैं शादी में, और ये दोनों यहाँ पे घर पे रह रही हैं। ये चाहती हैं कि मैं इनको भी साथ लेकर जाऊँ। वो सब तो ठीक है, पर ये नाराज होके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? और नाराज सिर्फ इनकी दोनों वाइफ नहीं भाई, इसके यहाँ पूरा ब्रह्मांड हो रखा है यार, किसी को एक नहीं मिल रही है। वो कहावत सुनिए ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, इंतजार करो लौंडो इंतजार करो, क्या पता तुम्हारे नसीब में तीन लिखी हो। बार बार झूठ बोलो, मेरी मिन्नतें कर रही है, ये देख क्या कर रही है, उठ जा यार। तो ये बोल रही है कि आप वही भी शादी में लेकर चलो, तो हम नहीं ले जा सकते। तो गाइस, इन्होंने मेरी मिन्नतें कर ली है, मैंने मना कर दिया, ये लास्ट में अपना थक हार के मुंह पे लाके सो गई है। कितने क्यूट लग रहे हो दोनों, क्या चल रहा है भाई, ये मेरे समझने की शक्तियों ने भी छुट्टी ले लिया है यार। मेरी बर्दाश्त की एक हद है भैया, हमारे अपनी बीवियों को शादी में लेके नहीं जा रहे, और दोनों बीवियों को शक भी है कि ये शादी में जा रहा है, कहीं इसकी शादी तो नहीं, कहीं ये तीसरी तो नहीं ले आएगा, लक्षण तो इसके पूरे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई, कितना कॉम्प्लिकेटेड घर होगा यार इसका, एक इधर से शक कर रही है, एक इधर से शक कर रही है। अब दोनों सोचो, दोनों अलग अलग लड़की के लिए शक कर रही है, मतलब अगर हम टोटल हिसाब लगाएं तो चार बैठ रही हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ओहो वाह, मतलब डबल एक्सल शादी करने के बाद भी भाई चीटिंग करेगा, यह देश बदल रहा है। है जी, मतलब शादी करके वो लेकर के आए उसको घर में, तो तुमने क्या सोचा था वो भाई बहन वाला खेल खेलेंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे? नहीं ना, दूसरी बीवी तो जाहिर सी बात है। और ससुर का नाती है, कौन सा फ्लैट है भाई जहाँ गेट खोलते ही पलंग लगा हुआ है और उसमें अर्धनंगा इंसान बैठा हुआ, मतलब एक बढ़िया आइडिया, एक काम करो बेड के बगल में एक टॉयलेट भी लगवा लो, फिर वहीं पे हगा करना है, इंटरनेट पे नहीं। इतने झूठ मारूंगा। कहाँ जा रहे हो आप? अरे कहीं नहीं, वो मैं शेर का शिकार करने जा रहा था। शिकार करने नहीं, शिकार बनने जा रहा हूँ, ऐसा बोलने का था भैया, क्या तुम गलत गलत बात बोलता है। और ये बंदूक जो लिया ना, इसकी बत्ती बना करके छोड़ो, रहन दो, आगे बढ़ते हैं। तू समझा? फिर जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे बाहर कुत्ता खड़ा है, कैसे जाऊँ? और एक अंदर भी तो है। वैसे तुम्हें पता है, जब एक कुत्ता दूसरे के इलाके में जाता है तो वहाँ के सारे कुत्ते उसको मिलकर भगाने लगते हैं, बस उन्हीं कुत्तों ने इनके घर के बाहर अपने सिपाही लगा रखे हैं। आगे मैं नहीं बोल रही, तुम कुछ समझ जाओ। पर हाँ, भैया की एक्टिंग देख करके मैं ये कह सकती हूँ RK2 में भैया लीड रोल करेंगे। सोचो कि RK के लुक्स और सुहाना खान जैसी एक्टिंग, वाह वाह क्या वाह। जाना कितना काम करोगे तुम लोग, आज से बाद किचन का काम मैं करूंगा, तुम लोग जाकर बैठो, बताओ बनाना क्या है। जाना आलू चाट। एक मिनट, चाट लिया, अब बता क्या बना। माय समझदारी हैज लेफ्ट द चैट। धिक्कार है हम पर, जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तो हमारा भाई आलू ही तो चाट रहा था। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी।
यार दो शादी करने से अच्छा है कि तुम योद्धा ऐप ज्वाइन कर लो, जो आपके एक्चुअल में काम भी आएगा। नहीं समझे, बताती हूँ। कई बार मैं बहुत सारी दिक्कतें फेस करती हूँ अपने घर और काम को लेकर के, और मेरी मम्मी ये बोलती थी कि अपने साइंस पता कर जिससे तुझे हेल्प मिलेगी। तो अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया योद्धा ऐप के बारे में, जो कि आपको एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर देते हैं। योद्धा बेस्ट ऐप है जहाँ पे 200 से भी ज्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। यहाँ पर रजिस्टर करना भी बहुत ईजी है, बस आपको अपनी बर्थ डिटेल डालनी, जैसे कि आप कब बॉर्न हुए, आपका बॉर्न का टाइम क्या था एंड आपके बॉर्न का डेट क्या थी। ये करने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर आपकी पर्सनल चार्ट कैलकुलेट करेगा एंड आपके ग्रहों के मूवमेंट को कैलकुलेट करके आपको बताएगा। यहाँ पे आपको 24/7 कंसल्टेशन मिलती है चैट पे, जहाँ पे आप कोई भी सवाल अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं और वो आपको उसका जवाब देंगे। इसे यूज करना बहुत इजी है, बस आपको अपने क्वेश्चन को टाइप करना और वो उसका आंसर आपको भेज देंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि फ्री होरोस्कोप अपडेट, अपने ग्रहों के मूवमेंट्स पे और मोटिवेशनल स्टेटमेंट जो कि रोज अपडेट होती है। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस लिंक पे टैप करना और अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं तो योद्धा ऐप यूज करके बहुत खुश हूँ, आप भी इसे यूज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाकर के डाउनलोड कर लो एंड लेट्स ईज आवर लाइफ विद योद्धा ऐप। बुद्धि में थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है इनके। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने गलत ही बोल दिया था यार, नमक के नशे, ये तो आलू चाट के नशे कर रहे हैं, और यही आलू चाटने के बाद ये शेर वाली वीडियो बना रहे हैं कि मैं शेर को मारने। निकल ले भाई तू, चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती के लिए आज ही अपनाएं आलू चाट। भाई के घर में जूते और दिमाग का आना सख्त मना है भाई। मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि भाई कोड वर्ड में शायद बात कर रहा है, वो भी लड़कों से, कि सनी ने अब दो शादियां करी है तो अब उसका मानसिक संतुलन जो है वो हिल चुका है, इसीलिए अब वो प्लास्टिक के बंदूक से शेर मारने जाता है और घर पे आलू चाटता है। कौन है ये पागल आदमी? जब एक बीवी हो तो रात में ये होता है। जाना मेरी तरफ फेस करो ना। और जब दो बीवियां हो तो रात में ये होता है। जाना मेरी तरफ फेस करो ना। जाना मेरी तरफ फेस करो ना। जाना मेरी तरफ। जिनकी चार हो वो कैसे सोते होंगे? स्क्वायर बना करके बीच का बंदर खेलते होंगे। अबे भाई तुमको क्या करने का है यार, तुम सो ना चुपचाप से। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? भाई ने अब तीसरा नुकसान बता दिया है दो शादियों का। पर बेचारी नादान लड़कियाँ अभी भी नहीं समझ रही। अभी पोछा लगाया था मैंने, सारा फर्श गंदा कर दिया फिर से। ये क्या हरकतें है भाई यार तेरी, ये क्या क्या हरकतें है ये? शर्म और हया दोनों बेच खाया है क्या? अबे साले, क्या चेक करना चाहते हो कि तवा गर्म हुआ कि नहीं? एनिमल का रणवीर कपूर होगा सिग्मा मेल, पर अगर वो जोया से शादी कर लेता ना तो वो भी यही लाइफ जी रहा होता। कंटेंट के लिए शादी करने के यही नुकसान है, जब कुछ समझ नहीं आता तो ऐसा कंटेंट निकलता है। हेलो गाइस, आप लोग ऑलवेज बोलते थे कि मेरी दो शादियां कैसे हुई है, क्यों हुई है। सो इस पे हमने एक शॉर्ट मूवी बनाई है जिसमें हमने आप लोगों को साफ साफ दिखाया कि हमारे पति की पहली शादी कैसे हुई और उनकी दूसरी शादी कैसे हुई। स्क्रीन पे आपको एक यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है। चलो भाई शुरू करो, ये देख लेते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं भाई, सबको जानना है कि भाई इसको दो कैसे मिल गई, मेरे को तो एक भी नहीं, मतलब सबको जानना है यार। आप लोग ऑलवेज हमें कमेंट करते हो अपनी स्टोरी बताओ आपकी शादी दो शादियां कैसे हुई है, तो हमने इस पे एक शॉर्ट मूवी बनाई है उसमें सब मैं ही बता देती हूँ दोस्तों। 17 मिनट की क्या ही तुम वीडियो देखोगे उनकी, मैं 2 मिनट में खत्म कर देती हूँ। बाजी बदल लिया साला। तो कहानी कुछ ऐसी है, रूप और इसका रिलेशनशिप था 7 साल का, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज था। तो इन लोगों ने प्लान किया भागने का और फिर खुद ही कैंसिल कर दिया। फिर इन लोगों ने प्लान किया मरने का, लेकिन वो भी फिर खुद ही कैंसिल कर दिया। फिर रूप का रिश्ता यूएसए में हो गया और भाई अपना कर गया मूव ऑन, और इसको मिल गई मानसी फेसबुक पे, जहाँ पे इसने सब कुछ सच सच बता दिया अपने पास्ट के बारे में और बोला कि देख बहन तो नहीं बोला होगा कि देख यार मेरे को ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं खेलने का है, मेरे को तेरे से करनी है शादी। समझ गए यहाँ तक? अब क्या सीन है कि मानसी और सुनील की शादी होने वाली है, बट ट्विस्ट यहाँ पे आया क्योंकि रूप आ चुकी है अब इसकी जिंदगी में वापस। ये दोनों मिले और इनकी फोटो खींच करके किसी ने दिखा दी रूप के घर में। रूप के घर वालों ने दी सुनील को धमकी और सुनील को बहुत मारा, फैंस यहाँ बहुत मारा। रूप को धमकी दी कि इसके खिलाफ झूठी गवाही दे दे, ये कर दे वो कर दे, रूप ने मना कर दिया, रूप को भी बहुत सुनाया गया। फिर उसके बाद रूप के घर वालों ने बोला कि तू इसे छोड़ दे, नहीं तो हम तुझे यहीं छोड़ के चले जाएंगे। रूप ने बोला तुम जाओ, मैं इसी के साथ रहूंगी। क्या पागल है क्या यार तू रूप, यार तेरा दिमाग ठीक है क्या? वेल, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब रूप और सुनील की सेटरिंग तो हो गई, पर मानसी बच गई यार। सुनील के पिताजी ने सुनील से बोला कि तू कर ले रूप से शादी, मानसी के घर वालों को मैं देख लूंगा।
और मानसी ने फेसबुक पर ये स्टेटस डाल दिया था कि मैं शादी करने जा रही हूँ सुनील से, लेकिन उसने रूप और सुनील की फोटो वगैरह देख ली तो भैंस की आंख। गुस्से में बोल दिया कि मुझे नहीं करनी शादी। उसका यूएस से रिश्ता आया और वो रिश्ता टूट गया क्योंकि उनको पता लगा कि ये लड़की किसी और को डेट कर रही थी। फिर एंड में सुनील को गुस्सा आ गया भाई, तो उसने दोनों से शादी कर ली। I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you, we don't care. क्या इमोशनल लव स्टोरी है यार इनकी, भगवान ऐसी स्टोरी सब कुछ ऐसी स्टोरी से कम दो दो तो मिलेगी। और बताओ ऑडियंस, आया मजा इनकी स्टोरी सुन करके? ये तो चट्टी है। ओके दैट इज इट टुडे गाइस, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे। एंड शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज।